लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठीक वैसे ही अखिलेश यादव को धोखा दिया है जैसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दिया था। तब बीजेपी का दामन छुड़ाकर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के साथ आए थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को टाटा बाय बाय बोल दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी RSSP यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को रिलॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार विधायक रह चुके हैं। वो 1980 में राजनीति में सक्रिय हैं। 1996 में वो पहली बार विधायक बने थे। वो मायावती सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। आइए जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कितनी संपत्ति के मालिक हैं। ये जानकारी चुनाव से पहले उनके द्वारा दिए गए हल्फनामे के आधार पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हल्फनामे के अनुसार 1,93,00,000 से ज्यादा की संपत्ति है। उनकी पत्नी शिवा मौर्य 2,21,00,000 से ज्यादा की संपत्ति की मालकिन हैं। मौर्य के पास 50,000 नकद हैं। उनकी पत्नी के पास 65,000 रुपए की अंगूठी है। वहीं उनके पास 30,000 रुपए की नीलम की अंगूठी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी के पास 7,50,000 की ज्वेलरी है। मौर्य के पास एक रिवॉल्वर और 2 राइफल हैं। उनकी पत्नी के पास भी ये दोनों हथियार हैं। उनकी पत्नी के पास एक फॉर्च्यूनर कार है जिसकी कीमत 30,00,000 रुपए के आसपास है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के चकवड़ गांव के रहने वाले हैं, जो कुंडा तहसील में आता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ और MA की डिग्री हासिल करने वाले मौर्य ने साल 1980 में स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स से राजनीति में कदम रखा था। जून 1981 से 1989 तक युवा लोकदल की प्रदेश कार्यसमिति में महामंत्री रहे। 80 के दशक में पहली बार डलमऊ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, जो अब ऊंचाहार सीट के नाम से जाना जाता है। इस चुनाव में मौर्य को मुंह की खानी पड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य साल 1991 से 1995 तक जनता दल में रहे। साल 1993 में मायावती जब पहली बार उत्तर प्रदेश की CM बनी तो मौर्य बसपा में शामिल हो गए और साल 1996 में डलमऊ सीट से पहली बार विधायक बने। 2002 में फिर इसी सीट से जीते और मायावती सरकार में मंत्री बने। बहुजन समाज पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत बढ़ गई और एक तरीके से मायावती के बाद नंबर 2 की स्थिति में आ गए। साल 2007 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद मायावती ने मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया। 2009 में कुशीनगर की पडनौरा सीट पर उपचुनाव में फिर जीते और अब तक लगातार 3 बार इसी सीट से जीत चुके हैं। साल 2016 में मायावती से खटपट के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा को अलविदा कह दिया और भाजपा में शामिल हो गए। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। हालांकि 2022 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का साथ छोड़ दिया और सपा का दामन थाम लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास खुद की अपनी कोई गाड़ी नहीं है, जबकि उनकी पत्नी के नाम एक फॉर्च्यूनर है। मौर्य की पत्नी के पास करीब 7,50,000 के सोने के गहने हैं, जबकि खुद मौर्य के पास करीब 30,000 की ज्वेलरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पत्नी दोनों हथियारों के शौकीन हैं। पति पत्नी दोनों के नाम पर कुल 4 हथियार हैं। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के पास पैतृक गांव चकवड़ में संपत्ति है, जबकि लखनऊ के गोमती नगर में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग और गाजियाबाद में भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। उनकी पत्नी के नाम पर महाराजगंज व ऊंचाहार में प्रॉपर्टी है। अब जैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से अलग होने का फैसला किया है, ठीक वैसे ही वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ बयानबाजी और रामायण को लेकर बयानबाजी कर चर्चा में बने रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि नई पार्टी बनाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जनता का विश्वास कितना जीत पाते हैं। अगर आपको पैकेज अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें।